बचपन, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, झुकूंगा नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल मिस्टर आरपी राहुल। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसका मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। आसानी से अपने कोई सा भी फोटो से उस टाइप का स्टेटस वीडियो बना सकते हो जो इंस्टाग्राम पे बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। आप भी देखे होगे पुष्पा राज वाला। तो दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, कपकट और वीपीएन। वीपीएन को कनेक्ट कर लेना पहले फ़ोन में, उसके बाद कपकट को ओपन करना, प्लस आइकन पे क्लिक करना, फोटो सेलेक्ट कर लेना कोई भी तीन फोटो अपनी, नहीं तो ये तीन फोटो का मैं लिंक दे दूंगा आपको। 1916 फ्रेम रख लेना और फोटो को बड़ा कर लेना। आप बड़ा करने के बाद लास्ट का जो आपका बैकग्राउंड है उसे डिलीट कर लेना, फोटो को थोड़ा एडजस्ट कर लेना सही से, बड़ा करके ऐसे डिलीट कर लेना। उसके बाद तीनों फोटो में आप पहले साउंड ऐड कर लेना। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, जो ये वीडियो है उसी को आप इंपोर्ट कर लेना साउंड में। उसके बाद तीनों फोटो में आप स्टाइल में जाके 3D जूम प्रो, इन तीनों फोटो में आप ये इफेक्ट यूज कर लेना। तो मैं तीनों में यूज कर लिया। उसके बाद आपको ये जो कट है इस पर ट्रांजेक्शन देना है आपको। बेसिक में जाके आपको इन्फेटिक 1-2 लिखा होगा तो 1 में दे देना, फिर 2 में दे देना, इन दोनों को यूज़ करना आपको। जो पहला है तो पहले में 1 कर लेना इन्फेटिक 1 और दूसरे में इन्फेटिक 2। तो उसके बाद आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, प्ले करके देख लेना कि जो नीला वाला जो म्यूजिक है आपको दिख रहा होगा ऊपर में या नीचे, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ब्लैक ब्लैक दिखेगा आपको जो इफेक्ट वाला है, तो उसको देखो आप देख सकते हो ये लाइनिंग है थोड़ा ऊपर जाए साउंड वाला, तो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना जो 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 वीट आपको चल रहा हो। फिर वीडियो इफेक्ट में जाके आपको ब्लैक फ्लैश ये वाला जो पहला है फोटो है इसको आप लगा लेना है, ब्लैक फ्लैश दिखे आपका। फिर दूसरे में भी आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट यूज करना है। वीडियो इफेक्ट पे जाके आपको नेचुरल पे क्लिक करना है, आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके फिर देखना कहाँ तक आ रहा है, तो दूसरा जो फोटो है वहाँ तक आप लगा लेना इसे। तो उसके बाद अब ये रेडी हो गया। उसके बाद आपको इसमें कलर देना है। फिर जो ट्रांजेक्शन है इसको आप टाइमिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो टाइमिंग के हिसाब से कि थोड़ा मैच है। उसके बाद इफेक्ट में जाके आपको फिल्टर में और ये वाला फिल्टर ले लेना आपको, और जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक ही तीनों फोटो पर फिल्टर लगा लेना ये जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद वैगनेट को आप पूरा शो कर लेना और इसको भी जहाँ तक वीडियो हो वहाँ तक रख लेना कि ब्लैक ब्लैक दिखे साइड साइड में। तो उसके बाद आप चैनल का लोगो ले सकते हैं ओरली में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखे ओरली दूंगा, ऐड ओरली पे क्लिक करेंगे तो चैनल का लोगो ले सकते हैं, नहीं तो कवर में आप यहाँ पे फोटो नहीं तो अपने चैनल का नेम लिख सकते हो। यहाँ से कोई सा भी फोटो यूज करके आप लगा सकते हैं, तो जिस भी क्वालिटी में चाहें इसे एक्सपोर्ट कर लेना।